हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तब सामने जो गाड़ी खड़ी है ये है निशान की मैग्नाइट। मैग्नाइट में सारे वेरिएंट्स में अपडेट हो चुके हैं, नाम बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, साथ ही साथ जो है फीचर्स बहुत ही तगड़े यहाँ पे अपडेट कर दिए गए हैं। क्या क्या फीचर्स अपग्रेड हुए हैं इस वीडियो में देखने वाले हैं। सामने कौन सा मॉडल खड़ा है सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सामने जो है निशान मैग्नाइट का एकदम टॉप मॉडल खड़ा है, जो कि नाम अपडेट होकर इसका टेक्ना प्लस करके यहाँ पे आ रहा है। और ये जो है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है और टर्बो इंजन के साथ यहाँ पे आता है, तो इसकी आज हम बात करने वाले हैं क्या कुछ यहाँ पे फीचर्स अपग्रेड किए गए हैं, एक के बाद एक बताएंगे। तो सबसे पहले कीमत आपको बता देता हूँ, कीमत जो है इसका 10,35,000 रुपये यहाँ पे रखा गया है। और इस प्राइस पॉइंट में ऐसे ऐसे फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं ना, क्या ही कहना। मतलब जो गाड़ियों में 15-16 लाख की गाड़ियों वाले जो फीचर्स है वो आपको इस कार में देखने के लिए मिल जाएंगे। कैसा है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कार की कीज़ देख लीजिए, इस प्रकार से यहाँ पे कार की कीज़ यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें आपको लॉक अनलॉक और ये जो है मतलब बूट को ओपन करने वाले जो बटन है उसको हटा के यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर यहाँ पे दे दिया। मतलब आप कार को इसी चाबी से दूर से ही स्टार्ट कर पाएंगे। और इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आप गर्मी में कार कहीं धूप में खड़ी हो तो ज़्यादा गर्मी है तो एसी को ऑन आप दूर से ही स्टार्ट करके कर सकते हो, जब ठंडी हो जाएगी तब एंट्री कर पाएंगे। तो ये फीचर काफ़ी यूनिक और अच्छा लगता है। और ये जो है महंगी गाड़ियों में आता था, यानी कम से कम 15-16 लाख की गाड़ी में, तो वो फीचर जो है आपको इस मैग्नाइट के टॉप मॉडल में देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ इसमें 360 डिग्री कैमरा आ जाता है, यानी 360 डिग्री जो कैमरा है उसका फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पे फ्रंट में मिल जाता है ऐसा। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से कार का ग्रिल मिलता है, ज़बरदस्त सा ग्लॉसी ब्लैक के साथ आ रहा है। क्रोम जो है पहले की तरह यहाँ पे ऐसा ही मिलता है। हेडलाइट जो है एलईडी सेटअप में के साथ यहाँ पे मिलता है। प्रोजेक्टर है, वाइट कलर की लाइट यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे देख सकते हो टर्न इंडिकेटर मिल जाता है जो कि एलईडी बेस्ड है। और यहाँ पे डीआरएस वगैरह काफ़ी शानदार यहाँ पे लगते हैं जब जलता है ये, जो इस तरीके से जो आपने पहले भी देखा होगा। एक चीज़ जो है अपडेट हुआ है इसका, जो फ्रंट का स्किड प्लेट है वो लेके, ये जो है सिल्वर कलर का जो है फ्रंट में स्किड प्लेट है, ऐसी नहीं आती थी, एकदम सिंपल आती थी। तो ये जो चीज़ है ना यहाँ पे लग के काफ़ी अच्छा और एक बोल्ड लुक यहाँ पे कार को दे रहा है। नीचे एलईडी में फॉग लैंप्स यहाँ पे आ जाता है कुछ ऐसा, नीचे की तरफ देख सकते हो एयर वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर जगह दिया गया है। तो ये है कार का फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। अब एक बार कार को साइड से देखें तो साइड से देखिए, ये है कार का साइड प्रोफाइल, ज़बरदस्त लगता है। करीबन 3994 mm का कार का जो है लंबाई यहाँ पे मिल जाता है। कार की जो ऊंचाई है वो 1572 mm की है, कार की चौड़ाई वो 1758 mm की मिल जाती है। वहीं व्हील बेस 2500 mm का मिलता है। ग्राउंड क्लीयरेंस करीबन 205 mm का देखने के लिए मिल जाता है। व्हील देखिए काफ़ी प्यारे लगेंगे, डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ यहाँ पे आ रहे हैं, 4 नट के साथ है, बीच में निशान का लोगो है। प्रोफाइल 195/60R16 का मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है जो कि वेंटिलेटेड टाइप है। रियर में जो है ड्रम ब्रेक्स आते हैं। और यहाँ पे देखो साइड में भी साइड सिल्वर स्किड प्लेट है यहाँ पे मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है साइड से। यहाँ पे देखिए इसका व्हील आर क्लाइडिंग काफ़ी मोटी सी यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन के साथ यहाँ पे मिलता है। निशान मैग्नाइट है तो एम्बलेम यहाँ पे मिल जाता है निशान मैग्नाइट का। यहाँ पे ORVM ब्लैक कलर में ग्लॉसी ब्लैक के साथ यहाँ पे आ रहा है। और इसका 360 डिग्री कैमरा ORVM के यहाँ पे मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर ORVM पे आ रहा है। ए पिलर देख सकते हो कुछ ऐसा यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक के साथ मिल रहा है। बी पिलर मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ आ रहा है। और यहाँ पे सी पिलर में छोटा सा जो है ग्लास एरिया मिल रहा है। विंडो वेडिंग क्रोम में यहाँ पे मिल जाता है, नीचे की तरफ काफ़ी कमाल के लगते हैं। और यहाँ पे जो है इसका रूफ रेल्स मिल जाता है। और ये जो है 50 किलो तक का यहाँ पे लोड इस पर आप डाल सकते हो, ये भी कंपनी यहाँ पे मेंशन कर रही है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो ये जो ग्लॉसी ब्लैक यहाँ पे ऊपर की तरफ मिल रहा है। और ये जो है DT है, ड्यूल टोन है, ऊपर छत जो है काली यहाँ पे मिल जाती है। क्रोम में डोर हैंडल आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो रिक्वेस्ट सेंसर है, मतलब पुश स्टार्ट स्टॉप फीचर के साथ यहाँ पे ये कार आता है। इधर फ्यूल फिलर कैप मिल जाता है, करीबन 40 लीटर के यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ ये आता है। अब पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे देखिए यहाँ पे हुआ है तगड़ा अपडेट इसके टेल लाइट्स को लेके। तो सबसे पहले आपको इसका टेल लाइट्स ही जला के दिखाते हैं। तो ये देखिए इतने शानदार और इतने प्यारे यहाँ पे लगते हैं, जबरदस्त है भाई। बाकी जो है यहाँ पे टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब के साथ मिलता है, रिवर्स लैंप ये भी हैलोजन बल्ब में है, ब्रेक लैंप ये LED में यहाँ पे मिल जाता है। LED सेटअप बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे रियर में वाइपर डिफॉगर कुछ ऐसा यहाँ पे मिलता है।
इंटीग्रेटेड स्पॉयलर यहाँ पे मिल जाता है कुछ इस तरीके से देख सकते हो, जो काफ़ी अच्छा रियर कर लुक यहाँ पे बनाया जाता है। ऊपर जो है ब्लैक कलर में शार्क फिन एंटीना यहाँ पे मिल रहा है। टर्बो है तो टर्बो की बैजिंग कर दी गई है। मैग्नेट है यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हो। रियर कैमरा जो है यहाँ पे प्लेस्ड है, नंबर प्लेट यहाँ लग जाता है। सेंसर जो है 1, 2, 3, 4 यहाँ पे सेंसर मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हो जो है रिफ्लेक्टर यूज़ किया गया है। यहाँ पे भी जो है रियर की सीट प्लेटें अब आने लग गया है मैग्नेट में। तो ये कहानी थी कार के रियर की। अब एक बार इसके बूट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ईजी एक्सेस करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला बटन यहाँ पे दिया गया है। नंबर प्लेट लाइट ये भी LED में यहाँ पे आ रहे हैं। प्रैक्टिकल बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाता है देख सकते हो। दिखने में ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है। करीबन 336 लीटर का बूट स्पेस इसमें आता है। लगेज लैंप के साथ है, हुक वगैरह दोनों साइड में मिल जाता है। यहाँ पे ये जो है अभी फ़िलहाल एसेसरीज़ में रखा हुआ है इसका बूट मैट। अब इसके जो है अंदर की तरफ देखते हैं तो अंदर स्टेपनी आपको मिलेगा स्टील रिम के साथ है। और इसकी जो साइज़ है वो यहाँ पे 165/80R14 के यहाँ पे मिलता है। बाकी जैक वगैरह रिफ्लेक्टर वगैरह इसी के अंदर यहाँ पे रखा हुआ है। अब करते हैं इसको बंद। पार्सल ट्रे हो गया, बंद करने के लिए ग्रैब हैंडल दिया गया है। चलते हैं अंदर की तरफ। तो ये देखिए इंटीरियर इतना सॉलिड और इतना प्रीमियम यहाँ पे टाइप का लग रहा है ना, एक स्पोर्टी कार जो होता है उस तरीके का इंटीरियर यहाँ पे लग रहा है। ये जो है यहाँ पे देख सकते हो साइड में प्रॉपर लेदर टच यहाँ पे दिया गया है, कमाल के लग रहा है। स्टिचिंग वगैरह यहाँ पे मिल जाता है कुछ ऐसा। ये चीज़ अपडेट कर दी गई है देख सकते हो। डोर लीवर जो है यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग के साथ आ रहा है। और जो लॉक अनलॉक करने वाला फीचर इस तरीके से अब आ गया है, सही है। जो कुंडे वाला सिस्टम वो हट चुका है। बाकी यहाँ पे चारों पावर विंडो, ड्राइवर वाला ऑटो डाउन, ऑटो अप यहाँ पे मिल जाता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल यहाँ पे बटन दिया गया है। फोल्ड अनफोल्ड यहाँ से हो जाएगा इलेक्ट्रिकली। और यहाँ पे विंडो लॉक करना है पीछे वाला, यहाँ से आप कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ देख सकते हो हनीकॉम पैटर्न के साथ, यहाँ पे टेक्चर के साथ ये हैंडल्स यहाँ पे मिलता है। मैग्नेट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। स्पीकर यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे बॉटल होल्डर, न्यूज़पेपर होल्डर, ये सारी चीज़ें डोर पे दी गई है। अब यहाँ पे सीट की बात कर लेंगे तो सीट देख सकते हो प्रॉपर लेदर फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आ रहा है। स्टिचिंग वगैरह बहुत ही शानदार यहाँ पे लग रहे हैं, ऑरेंज टाइप के बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। प्रॉपर लेदर है। यहाँ पे ऊपर जो है हेडरेस्ट एडजस्टेबल आ रहे हैं। सीटों के साइड में एयरबैग आ जाते हैं। और एयरबैग इसमें गाइस स्टैंडर्ड हो चुका है, यानी 6 एयरबैग के साथ ये कार बेस मॉडल से ही मिल रहा है। हाइट एडजस्टमेंट आ जाएगा मैनुअली, इसकी हाइट आप एडजस्ट कर पाएंगे। अभी फिलहाल मैक्सिमम पे है, कुछ इस प्रकार से है देख सकते हो। अब एक बार अंदर बैठते हैं ना, फिर अंदर से आपको फीचर्स दिखाते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे जो बटन देखेंगे तो ये जो है क्रूज़ बटन यहाँ पे मिलता है कुछ ऐसा। ये ऑफ़ करना है तो ऑफ़ है, ऑन करना है तो इस तरीके से ऑन हो जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आता है, उसको डिसेबल करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये हेडलाइट लेवलर करने वाला बटन यहाँ पे मिल जाता है। इधर हेडलाइट वाले फंक्शन हो गया कुछ इस प्रकार से, जो कि ऑटो फंक्शन के साथ आता है। और यहाँ पे जो है वाइपर वाले फंक्शन मिल जाते हैं। ये है इसका स्टेयरिंग देख सकते हो, बढ़िया एकदम लेदर टच के साथ यहाँ पे आ रहा है। स्टिचिंग वगैरह देख सकते हो ऑरेंज में करा गया है। बाकी यहाँ पे जो है म्यूज़िक के कंट्रोल्स हो गए, इधर जो है इसके MID कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ग्लॉसी ब्लैक यहाँ पे मिलता है, कुछ निशान का यहाँ पे लोगो मिल जाता है। और ये जो स्टेयरिंग है ये ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं होती है। और यहाँ पे मिलता है इसका क्लस्टर। एक बार ऑन करते हैं तो इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला बटन यहाँ पे दिया गया है। एक बार इसको ऑन करते हैं तो ये देखिए, अरे वाह, गाड़ी बन के आ चुकी है यहाँ पे, सही है। और यहाँ पे पूरा का पूरा डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है। इधर फ्यूल गेज दिखाएगा, इधर जो है टेम्परेचर यहाँ पे शो करता है। बीच में जो है स्पीडोमीटर जो है बीच में दिखाता है। बाकी RPM देखो चारों तरफ में इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है फिलहाल, इसको ऑफ करना है तो यहाँ से प्रेस करके ऑफ भी कर सकते हो। ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ तो यहाँ से ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ यहाँ पे कर पाएंगे। सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाता है ऑल। और यहाँ पे TPMS वगैरह आ जाता है इस स्क्रीन पे। बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है डिस्टेंस टू MPT वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पे ज़रूर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए ट्रिप है, ट्रिप भी और डिस्टेंस टू MPT हो गया। तो और भी देखो फ्यूल इकोनॉमी कुछ इस तरीके से यहाँ पे आता है, बढ़िया तरीके से। यहाँ पे देखो एनिमेशन के साथ यहाँ पे आ रहा है, ये क्या कमाल है। ये देखिए TPMS दिखाने का तरीका सही लगा मेरे को, ये सही है। सेटिंग्स वगैरह यहाँ सेट करना है, ये आ गया नॉर्मली। ये देखिए कुछ इस तरीके से फ्यूल वगैरह, ये पूरा ग्राफ बन के यहाँ पे आ रहा है। मतलब कैसा गाड़ी आपने ड्राइव कराया उस तरीके के यहाँ पे ग्राफ शो करेगा,
बढ़िया लगा एकदम। तो ये था इसका क्लस्टर के बारे में। बाकी म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे देखें तो 8 इंच का यहाँ पे टच स्क्रीन आ जाता है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले यहाँ पे सपोर्ट करता है। यहाँ पे एसी कंट्रोल्स आ जाता है जो कि ऑटोमेटिक के साथ यहाँ पे आ रहा है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो है कुछ ऐसा यहाँ पे फ़ोन वगैरह रख सकते हो, थोड़ा स्टोरेज वगैरह मिलता है, नीचे भी थोड़ा स्टोरेज दिया गया है और यहाँ पे यूज़ भी लगाने के लिए जगह, और ये 12 वोल्ट आउटपुट मिल जाता है। ट्रांसमिशन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पे दिया गया है, लेदर फिनिशिंग के साथ है और यहाँ पे देख सकते हो सिल्वर फिनिशिंग आ रहा है। क्रोम टॉप के साथ हैंड ब्रेक और हैंड ब्रेक के चारों ओर यहाँ पे लेदर यूज़ किया गया है। कप होल्डर हो गया, बॉटल होल्डर भी बोल सकते हो, आर्मरेस्ट यहाँ पे मिल जाता है सेंटर आर्मरेस्ट, और कुछ ऐसा है इसके अंदर का स्पेस, वॉलेट वगैरह इजीली आप यहाँ पे रख सकते हो। और यहाँ पे देखो कुछ ऐसा यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिलता है लाइट के साथ है और बहुत ही बड़ा है। और यहाँ देख सकते हो एम्बियंट लाइट वगैरह यहाँ पे आ जाता है तो ये काफ़ी कमाल का यहाँ पे कूल लगता है। और इधर देखो डैशबोर्ड पे ये जो है पूरा का पूरा लेदर टच यहाँ पे मिल रहा है। तो जो प्रीमियमनेस आप इस प्राइस पॉइंट पे फील करेंगे ना, शायद ही किसी दूसरी कार में आप इसको फील कर पाएं। बाकी देखिए कुछ इस तरीके से एसी वेंट यहाँ पे मिल जाता है, सिल्वर फिनिशिंग है, क्रोम में जो है यहाँ पे लाइनिंग वगैरह आ रहा है, डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लास्टिक फिनिशिंग के साथ आ रहा है। बाकी बेजल्स लेस यहाँ पे जो है ऑटो डिमिंग के साथ IRVM यहाँ पे दिया गया है, बढ़िया। और इधर देखिए टिकट होल्डर मिल जाता है, लाइटें वगैरह जो है यहाँ पे हैलोजन बल्ब के साथ यहाँ पे मिल रहे हैं, वैनिटी मिरर दिया गया है, हैंडल्स वगैरह कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे जो है इसका माइक्रोफोन दिया गया है, बाकी ये जो है ये सेंसर होगा, टेम्परेचर सेंसर आई थिंक हो सकता है। ये देखिए ये है इसका रियर वाले डोर कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है, सेम वही वाला पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो किया गया है रियर में डोर में, पावर विंडो वाला बटन हो गया, सिल्वर कलर में डोर लीवर, यहाँ पे भी लेदर टच दिया गया है, बॉटल होल्डर स्पीकर यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए इसका रियर वाले सीट काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लग रहे हैं। रियर में आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है, कप होल्डर के साथ है, फोन होल्डर भी यहाँ पे मिलता है। दूसरी जो कमाल की बात, यहाँ पे 60-40 वाला स्प्लिट सीट यहाँ पे ऑफर किया गया है मैग्नेट में, बढ़िया एकदम लगता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे रियर के आ जाता है और तीनों पैसेंजर के लिए यहाँ पे सीट बेल्ट दिया गया है। आइसोफिक्स आ जाता है, यानी बच्चों वाली सीट वगैरह इंस्टॉल करने तो वहाँ पर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे पीछे बैठ के देखते हैं तो ये देखिए स्पेस, कमाल का स्पेस मिलेगा। स्पेस के मामले में कोई भी शिकायत आपको यहाँ पे नहीं होगी। बाकी यहाँ पे देख सकते हो इसका सीट बैक पॉकेट हो गया इस साइड में भी दिया गया है, रियर के एसी वेंट हो गया, टाइप सी पोर्ट हो गया और लाइट यहाँ पे हैलोजन बल्ब के साथ यहाँ पे मिल रहा है। इधर देखिए तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल हुक के साथ आ रहा है, इधर भी ग्रैब हैंडल हुक के साथ यहाँ पे दिया गया है। तो ये था इसका रियर केबिन के बारे में। अब एक बार इसका इंजन की बात कर लेते हैं, तो ये है इसका इंजन। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक ज़बरदस्त सा इंजन, 1 लीटर का यहाँ पे टर्बो पेट्रोल इंजन यहाँ पे आता है जो करीबन 99 BHP का पावर ये डिलीवर करता है और जो टॉर्क है वो 160 Nm का ये दे देता है, तो बढ़िया है, इनफ है इस कार के लिए। और यहाँ पे जो माइलेज निकाल के देता है वो भी कमाल का है, करीबन 20 KMPL तक माइलेज जो है इस कार से निकाल सकते हो आप। कीमत आपको बता दिया शुरू में, फिर से आपको बता देता हूँ, करीबन 10,35,000 इसका एक्सशोरूम कीमत यहाँ पे आ रहा है। बाकी ऑन रोड के लिए मैं कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह डीलरशिप का दे दूँगा, तो आप कांटेक्ट करके इसका ऑन रोड प्राइस पता कर सकते हैं और अगर आप गाड़ी को बुक कराना चाहते हैं तो बुक भी करा सकते हैं। कैसी लगी गाड़ी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।